महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के सांसद संजय राउत के साथ शनिवार को मुंबई के एक लग्जरी होटल में गुप्त मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के बारे में दोनों नेताओं ने अपने अपने बयान भी दिए। रविवार को संजय राउत की तरफ से बताया गया कि मुलाकात में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई थी, बल्कि वो देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जिस पर चर्चा करने वो फडणवीस से मिलने गए थे। वही उनका ये भी कहना है कि दोनों पार्टियों में विचारों का मतभेद जरूर हो सकता है, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बताया गया कि दोनों नेताओं की मुलाकात में राजनीतिक पहलू ढूंढना गलत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कोई जल्दी नहीं है। जी हाँ, वही उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत ने शिवसेना के सामना अखबार के लिए उनका इंटरव्यू लेना था, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की कुछ शर्तें भी थी, जैसे कि इंटरव्यू अनएडिटेड होना चाहिए। अब ये तो है चर्चाओं में चल रही खबर, लेकिन एबी स्टार न्यूज इस खबर को आपके सामने अलग नजरिए से पेश करना चाहता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात को इतनी तूल क्यों मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि दोनों छुपके से यानी बड़े गुप्त तरीके से मुंबई के एक लग्जरी होटल में मिले थे। दूसरी बात, शिवसेना अपने अखबार में विरोधी पार्टी की नेता का इंटरव्यू क्यों छापेगी, जबकि इतिहास में ऐसा एक ही बार हुआ है, उसके अलावा कभी नहीं हुआ। जी हाँ, सबसे पहले शरद पवार का इंटरव्यू उनके अखबार में छपा था, उनके अलावा और किसी का इंटरव्यू अब तक नहीं छपा है। तीसरी बात ये, अगर दोनों नेताओं ने मुलाकात के बाद एक तरह के बयान दिए होते तो चर्चा का विषय शायद ना बनता। फडणवीस के बयान में सत्ताधारी पार्टी की आलोचना थी, लेकिन संजय राउत के बयान से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो केंद्र सरकार को कुछ संकेत देना चाहते हैं। उन्होंने कहा उन्हें मजबूरन एनडीए छोड़नी पड़ी। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि उन्हें मजबूरन एनडीए के साथ अपना गठबंधन छोड़ना पड़ा, वरना शिवसेना का कोई ऐसा छोड़ने का मन नहीं था। अब साहब, इन बयानों से क्या समझा जाए? कहीं ऐसा तो नहीं केंद्र सरकार के प्रभाव में आने वाली एनसीबी, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के डर से शिवसेना एनडीए को सरेंडर कर देना चाहती हो? क्योंकि जब से महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की कमान संभाली है, तब से ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के एक नहीं बल्कि तीन तीन मुख्यमंत्री हैं। या यूं भी कहा जा सकता है कि सुशांत की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार की पोल खुलती जा रही है। रिया से लेकर दीपिका तक सब ड्रग्स के केस में फंसते जा रहे हैं, और तो और आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आता नजर आया। क्या इसमें महाराष्ट्र पुलिस या वहां के गृह मंत्री की नाकामी ना माने जाए? वहीं अगर इससे कंगना एंगल जोड़ा जाए तो शिवसेना के खिलाफ तो जैसे उनकी बगावत ही हो गई है, जिसमें मुकाबला शिवसेना वर्सेस कंगना का होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों कंगना और संजय राउत की जुबानी जंग हुई, जिसमें संजय राउत ने कंगना को जवाब देते हुए आपत्तिजनक शब्दों से अपमानित किया और बाद में अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब कुछ और था, यानी कि वो बयान से ज्यादा अपनी सफाई देने में आगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, संजय राउत की तरफ से कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू बिहार चुनाव के बाद लिया जाएगा, तो फिर 2 महीने पहले इंटरव्यू की चर्चा क्यों करी गई? कहीं शिवसेना बीजेपी से सुलह तो नहीं करना चाहती? या कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसेना से महाराष्ट्र की कोई कुर्सी नहीं संभाली जा रही हो? खैर, इस इंटरव्यू के क्या मायने हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा।